नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। दर्शकों की लगातार मांग हो रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष का साक्षात्कार दिखाया जाए। काफ़ी प्यार करते हैं आप इनसे ऐसा लगता है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा दर्शकों ने कमेंट भेजा था। आज हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछेंगे, जानेंगे विधानसभा के बारे में भी। और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े काम किए हैं, कानून नियमावली को लेकर और भी बहुत कुछ। मैं बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। चलिए, बहुत धन्यवाद। और सबसे तो पहले मैं आपके उन दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे इंटरव्यू के लिए अपना कमेंट डाला था, जो हमारी बात सुनना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों का ये कमेंट था कि आप जब तक क्षेत्र में रहते थे, जो नेता केवल थे, तो हमेशा टेलीविजन पर कहीं ना कहीं आपको सुन लेते थे। अब जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, आपको विस्तार से नहीं सुन पा रहे हैं, केवल सदन में ही देखते हैं। देखिए, यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि पहले मैं पार्टी का महासचिव था, मुख्य प्रवक्ता था, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो इन सभी रूपों में काम करने के क्रम में ढेर सारी राजनीतिक बातें होती हैं या अन्य प्रकार की बातें होती हैं, जिस पर आपको पार्टी के तरफ से भी और अपनी तरफ से भी प्रतिक्रिया देना अपेक्षित होता है, और वह मैं करता था। और आज जिस जिम्मेवारी के पद पर मैं पहुंच गया हूं, और आप सब जानते हैं कि विधानसभा में सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर मुझे सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष पद पर चुना था, और विधानसभा अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी और मांग भी यही होती है कि मैं दलगत राजनीति से अलग होकर काम करूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाता हूं, और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं कोई राजनीतिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देता हूं। नहीं, जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, पक्ष विपक्ष को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है, किसी ने अब तक आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा काम आपने किया कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर। कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर मतलब एक दशक के बाद, कितने दिनों के बाद आपने लाया, और उसके जरिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच के टकराव को टाल दिया, यानी सत्र बाधित नहीं हुआ। ये कैसे, क्या था योजना आपकी? नहीं, देखिए, वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अगर मुझ पर भरोसा करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी माननीय सदस्यों के विश्वास पर खड़ा उतरूं। और उसी क्रम में जो मेरी मान्यता है कि सरकार का काम होता है सदस्यों की जिज्ञासाएं या प्रश्न, उनके उत्तर देना, और विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार की खामियों को सरकार के संज्ञान में लाना, जिससे कि उसका निराकरण हो सके। और अगर आप गंभीरता से देखिए, तो चाहे विपक्ष का जो मकसद होता है या सत्ता पक्ष का जो मकसद होता है, दोनों का लक्ष्य तो एक ही होता है, वह होता है बिहार के जनता का हित। माननीय सदस्य विपक्ष के भी हों तो वो भी प्रश्न उठाते हैं, तो जनता के ही हित में उठाते हैं। और सरकार भी जो जवाब देती है, सरकार जो नीतियां बनाती है, जो कार्यक्रम बनाती है, वह भी जनता की भलाई के लिए और कल्याण के लिए ही बनती। लेकिन कार्यस्थगन प्रस्ताव कोई मामूली बात नहीं है, बहुत दिनों बाद आया है। कितने दिन बाद इसको मंजूर किया गया है, और आपने क्यों किया? यह सही बात है कि दशकों बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव के की स्वीकृति हमने दी थी। और वो मसला आप सबको याद है कि जो AES बीमारी जो थी,
मुजफ्फरपुर में खास तौर से चमकी, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उससे लगभग 125 से अधिक बच्चों मासूमों की मौत हो गई थी। और यह विधानसभा पूरे प्रदेश के जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, और अगर प्रदेश में किसी बीमारी से, अज्ञात बीमारी से, अगर 125-150 बच्चों की, समझिए, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो मेरी नज़र में यह एक बहुत ही असामान्य बात थी। और अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव का प्रावधान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में की गई है, तो उसका उद्देश्य कुछ इसी तरह के मामलों को उठाने के संबंध में रहा होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब विपक्ष के सदस्य मांग कर रहे थे कि नहीं, हम कोई दूसरी बात नहीं मानेंगे, इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव मंजूर हो, विधानसभा के लिए पहले से सूचीबद्ध सारे काम रोक दिए जाएं, और यह इतना गंभीर मसला है कि इस पर विमर्श होना चाहिए। और हमने भी उसे उचित माना, क्योंकि यह बड़ी घटना थी, और कार्यस्थगन प्रस्ताव के जो विषय हो सकते हैं उस तरह की घटना थी, इसलिए हमने न सिर्फ मंजूर किया बल्कि हमने तत्क्षण कहा भी कि इस पर अभी ही तत्काल विमर्श जारी हो जाए। नहीं, आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, दशकों बाद इस तरह का कार्यस्थगन प्रस्ताव मंजूर हुआ। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सत्र का जो छोटा होता जा रहा है लगातार, पहले जितना लंबा सत्र होता था, जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती थी, अब वो नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले की अपेक्षा बहुत छोटा सत्र होता है। यह सही है कि सत्र और लंबा हो सकता है, और सत्र का लंबा होना सभी विधायकों के हित की बात होती है, और जब विधायकों के हित की बात होती है जब भी, तो वो जनता के हित की बात होती है। लेकिन यह सत्ता पक्ष यानी सरकार और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों या नेताओं पर निर्भर करता है कि सत्र कितना दिन चले, और जो भी निश्चित कार्यक्रम आते हैं, जितने भी दिन का हो, उस हिसाब में उसमें गुंजाइश भी होती है कि अगर कुछ काम बचते हैं या काम और विधानसभा के लिए होते हैं, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करके हम लोग सत्र की अवधि बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, आपने विधानसभा के नियमावली में बहुत संशोधन किया है, वो क्या खास संशोधन है और क्यों करना पड़ा? नहीं, बहुत, एक तो कई तरह की बातें थी जो विधानसभा के नियमों में समाहित नहीं थी। जैसे एक हमने किया कि विधानसभा के नियम में विश्वास मत का प्रस्ताव का उल्लेख ही नहीं था, जबकि अविश्वास मत का प्रस्ताव लाने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित है, उस पर विस्तार से चर्चा है, और विश्वास मत के प्रस्ताव पर का कोई उल्लेख नहीं था। मेरी समझ से ये उचित नहीं था। और आज भी देश के अधिकांश विधानसभाओं में, और यहाँ तक कि लोकसभा में भी, विश्वास मत प्रस्ताव की चर्चा नहीं है। और जहाँ तक मेरी समझ जाती है कि चूंकि ये नियमावली उस समय बनी थी जब अमूमन सिंगल पार्टी मेजॉरिटी या एक ही पार्टी को बहुमत होता था, और बहुमत के सवाल पर कभी कोई प्रतिरोध नहीं रहता था, लेकिन आज जब गठबंधन का जमाना है और किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, और कभी कभी तो सरकार बनने से पहले ही, जिसको कहते हैं मेजॉरिटी कंटेस्टेड रहता है, बहुमत पर विवाद रहता है, और गवर्नर साहब या राष्ट्रपति महोदय सरकार बनाने का निमंत्रण देके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप इतने दिन के अंदर सदन का विश्वास हासिल करिए, और जो गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को निर्देश देते हैं,
तो मुख्यमंत्री किस नियम के तहत विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे इसकी नियमावली में चर्चा नहीं थी, जो मेरे समझ से उचित नहीं थी। ये तो ऐतिहासिक फैसला है, संशोधन है। अरे जो भी हो, हमने जो उचित समझा वो किया। लेकिन आप, विधानसभा हमेशा विवादों में भी रहा है भर्ती को लेकर। आप कई विधानसभा अध्यक्ष ने बहाली की और उसको लेकर विवादों में रहे, आपने उसको भी चेंज किया है भर्ती नियमावली। विधानसभा में जो भर्ती की नियमावली थी या जो रूल्स था वो बहुत पुराना था और वो स्पष्ट भी नहीं था। मेरे समझ से हमारे जो पहले के अध्यक्ष रहे होंगे, नियमों में भी स्पष्टता नहीं रहने के कारण विवाद होते होंगे। इसलिए हमने सरकार से समन्वय स्थापित करके बहुत ही साफ तरीके से नियमावली बना दी है, जिसमें पारदर्शिता भी है और मेरिट का प्रेफरेंस भी है। और एक नया कार्य हमने पदाधिकारियों का यहाँ बना के लोकसभा की तर्ज पर, उसमें तो हम सीधे बिहार लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के आधार पर अधिकारियों को ले रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से उसमें मेधा के हिसाब से बेहतर लोग आएंगे। और जब बेहतर लोग आएंगे, चाहे वो क्लरिकल लेवल की बात हो या अधिकारी स्तर की बात हो, तो हमारा सचिवालय ज़्यादा मजबूत होगा, सॉलिड होगा और काम अच्छे तरीके से हो। लेकिन पहले के जो अध्यक्ष थे, जो भी थे, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने बहालियाँ की थी, उनमें से कई लोगों को आपने हटाया भी। नहीं, वो तो बात आती है, वो तो सचिवालय के फंक्शनिंग की बात है। जिन्होंने किया होगा उनको भी कुछ सही लगा होगा। जिस जो भी इस पद पर रहता है, हमारी समझ से उसको जो सही लगता है करता है। पिछली गलतियों को भी दुरुस्त किया और नया नियम भी बना दिया। हमने यही कहा कि जो भी इस पद पर रहता है उसको जो सही लगता है करता है। अध्यक्ष जी, कुछ आप अपने राज्य के विधायकों से कोई आग्रह अपील करना चाहेंगे कि हंगामा शोर कम हो सत्र में, जनता की बातें उठे ज्यादा? वो तो मैं बराबर करता हूँ, सदन में लगातार करता हूँ। कोई भी सत्र होने से पहले अलग अलग दल के नेताओं की बैठक होती है, क्योंकि एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि संसदीय जनतंत्र में यह सदन विमर्श का ही सदन है, बातचीत का सदन है। और अगर बातचीत ही नहीं होगी, विमर्श ही नहीं होगा और व्यवधान के बाद सदन स्थगित हो जाएगा, तब तो इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए हमेशा मेरा अनुरोध माननीय सदस्यों से यही होता है कि सदन की कार्रवाई चलेगी तभी जो विपक्ष के भी लोग या नेतागण हैं उनकी बातें भी सुनी जा सकेंगी और सरकार की कमियों खामियों को उजागर करके कुछ जनहित साधने में सफल वो भी तभी हो सकते हैं जब सदन चलेगा। अगर व्यवधान हुआ, सदन स्थगित हो गया, तो इससे तो किसी का भला नहीं होता। लेकिन विपक्ष का नेता अगर सदन में कितना दिन अगर लगातार नहीं हाजिर हो तो उसकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है? नहीं, उसमें कोई नियम नहीं है। और विधानसभा में चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन नेता हो या कोई मंत्री हो, किसी के लिए अलग अलग कोई नियम नहीं होता है। नियम जो भी होता है वह सदन के सदस्यों के लिए होता है और सभी सदस्य पर एक रूपता से लागू होता है। तो कितना दिन लगातार सदन? वो है कि अगर आप आसन की बिना अनुमति यानी सूचना दिए हुए 60 वर्किंग डे से, अगर बिना सूचना दिए हुए अगर आसन सूचित है जो आप अनुपस्थित हैं, तो फिर वो नहीं लागू होता है। अगर 60 वर्किंग डे में लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, तब उनको इस चीज़ के लिए अपनी बात बतानी पड़ती है। तो आपने सुन लिया, कई ऐतिहासिक संशोधन इन्होंने किए हैं विधानसभा की नियमावली में और विधानसभा में कर्मचारियों अधिकारियों की होने वाली भर्ती के नियमावली में भी। तो आपने जान लिया, शायद आपको भी नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि विश्वास मत हासिल करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी वैधानिक, जिसे इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा से पूरे देश की जो विधानसभाएँ हैं राज्यों की, वो सबक लेंगे और इस तरह की नियमावली बनाएंगे अपने राज्य में भी।
आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, आपकी मांग के हिसाब से हमने विधानसभा अध्यक्ष को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपको इनका साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और फिर कमेंट लिखिए, जिस तरह से आपने इनके साक्षात्कार की मांग को लेकर 10,000 से ज़्यादा कमेंट लिखे थे, अब देखने के बाद कितना कमेंट आता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सहयोग समर्थन आपका बहुत मिल रहा है, पिछले एक साल में 5,20,000 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 10 करोड़ व्यूज मिले हैं। इस अपार सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस, आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।